नमस्कार दोस्तों, ऑल बुक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ जीएस की बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स शो कर रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके बाद लॉकडाउन के बाद वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 100% इसी से ही आएंगे, आप श्योर हो जाए और सबको याद। एक क्वेश्चन इस प्रकार है, मैच द फॉलोइंग टाइप का। ये मैच द फॉलोइंग इस तरह आपको दिख रही है, ये मैच द फॉलोइंग या क्वेश्चन या आंसर। जैसे इस वक्त जियोग्राफिकल है, सूरनेम और लोकेशन दिया हुआ, उसके नीचे ही जस्ट आपको आंसर मिलेगी। जैसे सिटी ऑफ लेक श्रीनगर को बोला जाता है, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई को बोला जाता है, स्टेट ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब को बोला जाता है और सिटी ऑफ प्लेसेस कोलकाता को बोला जाता है। उसी प्रकार आप इस तरह का नोट्स देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग्स और कुछ लोकेशन का नाम देख सकते हैं, बिल्डिंग्स और कुछ लोकेशन का नाम आप इसे देख सकते हैं। जैसे विजय स्टाम्प्स कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। और जो उत्तर प्रदेश का कौन सा बिल्डिंग है, बुलंद दरवाज़ा, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। और ये चार मीनार है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और कुछ रिवर और कुछ सिटी है, आप इसको चाहे तो सर यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ आंसर, आप यहाँ पर मिला के आंसर करके आराम से इसे नोट्स कर ले, याद कर ले, ज़रूर ही पढ़ के जाए ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। और मैं आपको आगे को दिखा सकता कंट्री और ये हाँ कैपिटल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री और ये कैपिटल। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप कंट्री कैपिटल आप जहाँ हम बता दिए बहुत इन पर, कुवैत का जरूर पढ़ के जाइए, तिमोर लेस्टे का, कागस्थान का, ये सब जरूर ही आप पढ़ के ही जाएं। और आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देख सकते हैं हेडक्वार्टर, इसका आंसर यहाँ पर है। आप इन्हें देख सकते हैं कहाँ किस किन ऑर्गेनाइजेशन का किस किस हेडक्वार्टर है, आप इन्हें ज़रूर दे सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए। और मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, जैसे यूनेस्को पेरिस में, आई एल ओ कहाँ जिनेवा में। और आप इन्हें पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाएं ताकि आपको बहुत बेनिफिट होगी, तो आपको याद होगा। ऑल बुक सॉल्यूशन ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करता है जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ख़ास करके एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैनल है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ के ही जाएं। और देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, ये हर एक क्वेश्चन में जितना भी एग्ज़ाम होता है हर एक क्वेश्चन में एक या दो ही क्वेश्चन आपको दिख ही जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का और हेडक्वार्टर का। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट देखिए, लोकेशन भी देख सकते हैं आप उसका। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसका आंसर शीट आपको यहाँ मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल्स और लोकेशन का आंसर शीट आपको यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। आराम से इसको नोट्स कीजिए, ये सब पढ़िए आंसर शीट्स। और रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे दिल्ली में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया गया, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फायदा उसी पर सेंट्रल, ये आपको क्वेश्चन। लेकिन दिल्ली में कहाँ पर कौन सी पाया गया, दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पाया गया, यहाँ इसका आंसर है। भूल के भी इसे नहीं याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन है नीचे, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी भी कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए गलती से भी अपने सीधे वाला को याद नहीं कर लीजिएगा। और यहाँ कुछ देख सकते हैं कुछ बैंक और हेडक्वार्टर, बैंक के हेडक्वार्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो इसको वीवीआई का जितना भी लगाइए आपके लिए कम ही होंगे ये बैंक और हेडक्वार्टर। जैसे यूको बैंक का है कोलकाता में पड़ता है, और बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडियन बैंक चेन्नई में, उसी प्रकार आप देख सकते हैं। उस तरह कुछ मैं आपको एजेंसी और कंट्री का नाम शो कर रहा हूँ, आप इनको देख के नोट्स करिए। और ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया, उसको याद ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन और चेयरमैन तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए।
बीसीसीआई का तो चेयरमैन सौरभ गांगुली और फीफा का जिन्नी इन्फेंटिनो, इसी प्रकार याद कर सकते हैं आप सारा। और मैं नेक्स्ट में लास्ट ये देख सकते हैं चीफ इलेक्शन, जो ऑफिस से वर्क होता है, ऑफिस का वर्क और पर्सन इस प्रकार। जैसे चीफ इलेक्शन कौन है, सुशील चंद्र अभी है, और चीफ जस्टिस है एन वी रमन, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन है। अब शरद कुमार बबड़े यहाँ पर रिजाइन दे चुके हैं, इसलिए एन वी रमन न्यू है, ये न्यू है याद रखिएगा, और आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। और इन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और वीडियो को और अच्छे अपने दोस्त को शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।